हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सैनी क्लासेस और आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने अभी तक उनके कोण के प्रकार के बारे में देखा था आज उनके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी हमने सिर्फ पढ़ा था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं न्यून कोण होते हैं समकोण होते हैं अधिक कोण होते हैं सरल कोण होते हैं रिजु कोण होते हैं सरल कोण को ही रेजु कोण के नाम से जाना जाता है बृहत कोण होते हैं संपूर्ण कोण होते हैं तो आज उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं ठीक है यानी कि फिर से एक बार मैं लिख देता हूं नोट्स बनाते जाइए क्योंकि ये याद करने वाली चीज है भाई ठीक है ये समझने वाली चीज है तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा कोण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल ठीक है कोण के प्रकार कोण के कोण के प्रकार ठीक है तो कोण के कितने प्रकार हैं देखिए पहला है न्यून कोण न्यून कोण ठीक है दूसरा है आपका समकोण समकोण ठीक है तीसरा है आपका अधिक कोण अधिक कोण ठीक है चौथा है आपका सरल कोण या रिजु कोण सरल कोण या रिजु 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 कोण ठीक है पांचवा है आपका कोण बृहत् वृहत कोण ठीक है और लास्ट है हमारा संपूर्ण कोण संपूर्ण कोण तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए वन बाय वन संपूर्ण न्यून कोण के बारे में पढ़ लेते हैं आखिर न्यून कोण होता क्या है ठीक है न्यून कोण इसको इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल ठीक है तो देखिए एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण उसे बोलते हैं जिसका मान 90 से कम होता है जिस कोण का मान 90 से कम होता है ठीक है यानि कि जीरो से बड़ा होगा 90 से कम होगा ठीक है यानी कि मैं लिख देता हूं जीरो डिग्री से जीरो डिग्री से बड़ा होता है लेकिन नब्बे डिग्री से नब्बे डिग्री से कम होता है कम होता है ठीक है नब्बे डिग्री से कम होता है उससे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं यानी कि न्यून कोण कहते हैं ठीक है मैं इसका एक फिगर बना देता हूं जैसे ये एक लाइन हुई ए ठीक है और यहां से जस्ट ये हुआ मान लीजिए तीस डिग्री है तो ये कौन सा है हुआ भाई ये आपका न्यून कोण हुआ न्यून कोण का मान कितना डिग्री से कितना डिग्री तक होता है जीरो डिग्री से लेकर जीरो नब्बे डिग्री, ले डिग्री तक होता है नब्बे डिग्री तक होता है मतलब नाइन्टी डिग्री नहीं लिया जाएगा उसमें नब्बे से कम होता है देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा गया है डिफिनेशन जीरो से बड़ा होता है लेकिन नब्बे से कम रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे कोण बोलेंगे ठीक है उसे हम लोग क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे जीरो डिग्री वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री सिक्स डिग्री लास्ट एट्टी नाइन तक हम लोग उसे क्या बोलेंगे एट्टी नाइन डिग्री तक क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे यानी कि एक्यूट एंगल ठीक है समझ में आई बात चलिए अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल समकोण ठीक है सम कोण के बारे में आज पढ़ेंगे यानी कि राइट एंगल देखिए राइट एंगल में क्या होता है इसमें जो कोण आएगा उसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है यानी कि जिस कोण का मान लिख लिख, लिख सकते हैं यहां परिभाषा में जिस कोण का मान जिस कोण का मान जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर बराबर होता है उसे बराबर होता है उसे उसे समकोण कहते हैं उसे समकोण समकोण कहते हैं ठीक है उसे क्या बोलेंगे समकोण कहते हैं समकोण का फिगर में बना देता हूं जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है ठीक है आपके पास कोई लाइन दी हुई है ठीक ये आपकी लाइन हुई ठीक है ये लाइन खींची हुई है और जस्ट इसी के नब्बे डिग्री पे यानी कि यहाँ से एकदम सीधी एक रेखा खींची गई है जिसका मान यहां से जब इसको मापा गया तो ये नब्बे डिग्री का हुआ ठीक है ये ए मान लेते हैं ओ मान लेते हैं ये बी मान लेते हैं ठीक है ये नब्बे डिग्री हुआ सीधी रेखाओं में यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर एक दूसरे को काट रही है ठीक है तो ये इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं कोण का मान नब्बे डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग समकोण बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण यानी कि ऑप्टूस एंगल अधिक कोण यानी कि ऑप्टूस एंगल अधिक कोण अधिक कोण अधिक कोण यानी कि ऑप्टूस ऑप्टिश एंगल के नाम से जानते हैं ठीक है कोण में क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा 90 डिग्री से बड़ा होता है 90 से 90 डिग्री से बड़ा लेकिन लेकिन 180 से 180 डिग्री से 180 अंश से एक सौ अस्सी आंसर से क्या होता है भाई एक सौ अस्सी से छोटा होता है इसको लिख सकते हैं वह कोण जिसका मान नब्बे से बड़ा होता है लेकिन एक सौ अस्सी से छोटा होता है ठीक है जैसे मैं मैं फिगर एक बनाता हूं आप इसे गौर करिएगा देखिएगा ठीक है जैसे मान लीजिए फिगर दिया हुआ है यहां ठीक है ये हुआ फिगर जस्ट अब वहीं पे क्या किया है? मैंने एक एंगल ये देखिए जब इसको आपने चांदा से मापा तो लगभग 100 140 डिग्री के आसपास में आया ठीक है तो मतलब यहां पे जो वैल्यू आई वो कितने नब्बे से तो बड़ी है लेकिन एक सौ अस्सी से तो छोटा है तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा एंगल सरल कोण मतलब स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल ठीक है यानी कि सरल कोण या कोण के नाम से जानते हैं हिंदी में सरल कोण सरल कोण या कोण ठीक है यानी कि स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल इसमें क्या होता है इसकी जो कोण बनता है वो डायरेक्ट वन एट्टी डिग्री का होता है यानी कि जो कोण बनेगा कोण का मान कितना होगा कोण का मान एक सौ अस्सी होता है एक सौ अस्सी डिग्री एक सौ अस्सी का एक सौ अस्सी कोण का मान कोण का मान एक सौ अस्सी का होता है ठीक है यानी कि जो भी एंगल बनेंगी, वो सभी के सभी 180 डिग्री के बराबर होंगी यानी कि जैसे कि मैं एक लाइन खींच देता हूं ठीक है अब मान लीजिए, यहां पर एक हमारा पॉइंट था अब इन दोनों पॉइंट के बीच में दो रेखा बन जाएंगे एक रेखा ए हो जाएंगी और इधर से एक रेखा इधर जाने वाली बी हो ठीक है तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा ठीक है एक सौ अस्सी डिग्री बनेगा जैसे कि आप लोग चांदा से रख कर जैसे ये चांदा आता है इस प्रकार इस पर एंगल लिखा रहता है दस डिग्री बीस डिग्री तीस डिग्री चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे ठीक है इसी तरह लास्ट तक ये हाफ साइकिल इतना एक सौ अस्सी डिग्री कहलाता है जस्ट इसके इधर जाएंगे तो तीन सौ साठ डिग्री होगा मतलब एक चक्कर लगाना तीन सौ साठ डिग्री कहेगा ठीक है जैसे कि मान लीजिए ये नब्बे डिग्री हुआ इतना नब्बे डिग्री हुआ फिर इतना नब्बे जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा फिर एक 180 में नब्बे जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा फिर 270 में नब्बे जोड़ेंगे 360 हो जाएगा मतलब एक चक्कर करना ही 360 डिग्री का लाएगा मतलब एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री ठीक है नेक्स्ट है हमारा कोण, ठीक है कोण के बारे में जान लेते हैं बृहत कोण क्या होता है इसमें क्या होता है कोण का मान कोण का मान 180 से बड़ा होता है कोण का मान कोण का मान किससे बड़ा होगा 180 से बड़ा होता है लेकिन कोण का मान 180 से बड़ा होता है लेकिन लेकिन 270 से छोटा होता है 270 से छोटा होता है ठीक है यानी कि कोण का वह मान जो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 270 से छोटा होता है उसे हम लोग वृहद कोण के नाम से जानते हैं देखिए यहां पर जितने भी कोण डिस्कस किए जा रहे हैं समझ लीजिए आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही लाभकारी है ठीक है तो आप लोग इसे छोटे इसको नजरअंदाज नहीं करिएगा इसको छोड़िएगा नहीं वीडियो को पूरा देखिएगा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए एकदम मक्खन की तरह होना चाहिए ठीक है और देखिए संपूर्ण कोण किसे कहते हैं अच्छा अभी इसका बृहद कोण का मैं एक डायग्राम बना देता हूं चित्र जिसे आप लोग समझ सकें ठीक है ओके okay, एक बार फिर से ट्राई करता हूं ठीक है ये रेखा हमारी बन गई ठीक है कोण में क्या है एक सौ अस्सी से तो बड़ा होता है लेकिन दो सौ सत्तर से छोटा होगा तो मैं क्या करता हूं अब यहां से एक रेखा खींच देता हूं देखिए अब जब इसको चांदा से मापा गया तो लगभग आया आपका दो सौ दस डिग्री ठीक है जब इसको चांद से मापा गया तो 210 डिग्री आया ठीक है मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मेरे पास तो इस समय चादा नहीं है तो मैं आपको माफ़ कर दिखा देता कोई बात नहीं फिर भी देखते हैं यहां पर कोण का मान एक से तो बड़ा है लेकिन दो से छोटा है तो ऐसे टाइप के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे बृहत कोण बोलते हैं ठीक है, है? नेक्स्ट है हमारा यानी कि संपूर्ण कोण संपूर्ण कोण संपूर्ण कोण संपूर्ण कोण में मान जो होता है कोण का मान कोण का मान 360 डिग्री होता है 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे संपूर्ण कोण बोलेंगे ठीक है मैं एक डायग्राम भी इसका बना देता हूं फिगर बना देता हूं जहां से आप लोग समझ सकते हैं ये रहा ठीक है देखिए इस यहां पर पॉइंट रहा हमारा यहां पे हमारा पॉइंट रहा इसका एक चक्कर हमारा पूरा संपूर्ण कोण का लाएगा मतलब ये 360 डिग्री बन जाएगा ठीक है समझ गए बात चलिए ओके तो अब यहां पर अपना समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू जय हिंद जय भारत वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ओके बाय